तो अभी दोस्तों जो इतने दिनों से सारे यूट्यूबर्स एवलांस, बर्फ फिसल गई, बर्फ गिर गई, लैंडस्लाइड आ गया और ग्लेशियर पिघल गया, ग्लेशियर टूट गया, आदमी मर गए, एक्सीडेंट्स हो गए, ये इतने दिनों से चिल रहे थे, वो जो ग्लेशियर पिघला था वो मेरे पीछे ही है, मैं दिखाता हूँ आपको। हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ विशाल गोलिया और मैं साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहा हूँ और इस समय मैं हूँ केदारनाथ में और आज मेरा केदारनाथ में 10वां दिन है और भोले बाबा की कृपा से यहाँ पे मेरे को बढ़िया आराम मिला, आनंद मिला, यहाँ पे भोले बाबा के दर्शन किए और आज हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि मुझे अगली मंजिल अपनी काशी विश्वनाथ बनारस जाना है और यहाँ पे 10 दिन गुजारे, बड़ा आनंद मिला और मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हो, भोले बाबा का मंदिर है और अब हम लोग नीचे उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो चलते हैं नीचे। तो बैग वैग सब पैक करके हम लोग निकल चुके हैं भोले बाबा के मंदिर से, बस निकल ही रहे हैं और मुझे इंतज़ार है अगस्त का, क्योंकि अगस्त में मैं दोबारा से यहीं आने वाला हूं क्योंकि मैं यहां के बिना रह नहीं सकता, बाबा केदार के बिना, तो मैं अगस्त में फिर से आने वाला हूं दोस्तों। और अभी चलते हैं, मन नहीं हो रहा जाने का लेकिन मजबूरी है क्योंकि मेरी यात्रा है आगे, मेरे को रामेश्वरम तक ही जाना है तो अब मजबूरन जाना तो पड़ेगा। तो अभी दोस्तों जो इतने दिनों से सारे यूट्यूबर्स एवलांस, बर्फ फिसल गई, बर्फ गिर गई, लैंडस्लाइड आ गया और ग्लेशियर पिघल गया, ग्लेशियर टूट गया, आदमी मर गए, एक्सीडेंट्स हो गए, ये इतने दिनों से चिल रहे थे, वो जो ग्लेशियर पिघला था वो मेरे पीछे ही है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो सामने देख रहे हो आप, यही ग्लेशियर जो पिघला था और इसमें किसी को भी कोई हानि नहीं हुई है। ये जो सारे यूट्यूबर्स हैं वो सब अफवाह फैला रहे हैं, बहुत से लोग न्यूज़ चैनल वाले, और आप देख सकते हो यहाँ से लोग क्रॉस हो रहे हैं और पूरा NDRF की टीम और उत्तराखंड पुलिस और सब कुछ, मतलब जो पूरा प्रशासन है वो लगा हुआ है रास्ते को ठीक से बनाने में। थोड़ा सा रिस्क है रास्ते पे चलने का लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, रास्ते को सही किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पर आने के लिए थोड़ा सा रिस्क है लेकिन आप आसानी से आ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यात्री लोग आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, इसलिए आप लोग भी अपनी यात्रा कर सकते हो लेकिन सावधानी पूर्वक और सारे गर्म कपड़े और जो बरसाती होती है रेनकोट और एक्स्ट्रा गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ क्योंकि यहाँ पर कभी भी मौसम -10, -11 जा रहा है और 10 दिन से हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं तो हमको जहाँ एक्सपीरियंस थोड़ा हो चुका है यहाँ के मौसम का तो हम लोग बता सकते हैं। और आप पूरा एरिया देखिए, सफाई चल रही है यहाँ पे रोड बनाने की और श्रद्धालु आते जा रहे हैं, बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, तो आप बेफिक्र होकर अपनी यात्रा को कंटिन्यू कीजिए। पांच लाख रुके हुए हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो NDRF की टीम जो है पूरा मतलब रास्ते को बना रही है और श्रद्धालुओं को यात्रा में मदद कर रही है, आने जाने में मदद कर रही है, आप लोग देख सकते हो। आप मेरे पीछे देख सकते हो एक और जगह जहाँ पे एवलांच आया था, बर्फ पिघली थी, ग्लेशियर पिघला था और वहाँ से भी रास्ता साफ करने का कार्य चल रहा है, रास्ते को लगातार साफ किया जा रहा है और श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सीढ़ियाँ बना दी गई हैं चढ़ने के लिए, बर्फ की सीढ़ियाँ, ये बर्फ की सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं। घोड़ा आना नहीं चाहता फिर भी जबरदस्ती की जाती है उसके साथ, और इसके जिम्मेदार कौन है दोस्तों, इसके जिम्मेदार हैं घोड़ों के ऊपर गधे बैठ के जाने वाले लोग और कोई नहीं। मेहनत और मशक्कत के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं रामबाड़ा वाले रास्ते पे और यहां से हमने पकड़ा एक शॉर्टकट जिससे घोड़ा और कच्चर आते हैं, तो आपको दिखाते हैं रामबाड़ा का व्यू। तो फाइनली दोस्तों हम लोग गौरीकुंड पहुंच चुके हैं और लगभग हम लोग 3 बजे निकले थे केदारनाथ से और अभी बज रहे हैं लगभग 8:45 या 9 बज रहे हैं, तो हम लोग गौरीकुंड पहुंच चुके हैं और आज की जो मेरी जर्नी है मैं उसको करता हूं यहीं पे एंड। और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। हर हर महादेव।